आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। जागीरपुरी रामगढ़ सर्विस रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में पासबुक में एंट्री ना होने व दूसरे कामों में भी दिक्कत होने से बड़ी संख्या में लोग परेशान। कोरोना का हवाला देकर बैंक ज्यादा ग्राहकों की एंट्री ब्रांच में नहीं करवा रहा है, इस कारण से लोग बेहद परेशान हैं। किसी को अपनी पासबुक में एंट्री करवानी है तो, किसी को पैसे निकालने हैं तो, किसी को अपनी केवाईसी या दूसरा काम है, सभी लोग बैंक के रवैया से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि अब सभी ऑफिसों को कोविड-19 के तहत पूरी संख्या के साथ खोलने की छूट दे दी है, बावजूद इसके यहाँ पर 3 या 4 से ज्यादा ग्राहकों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और लोग सर्विस लेन के अंदर सड़क पर लाइन में लगे हैं, जिससे हादसे होने का भी डर बना हुआ है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर लोगों की यह समस्या बनी हुई है, काफी भीड़ बैंक के बाहर तक लगी हुई है। दरअसल बैंक पासबुक से लेकर हर चीज के पैसे ग्राहकों के अकाउंट से काट लेते हैं, लेकिन ग्राहक जब बैंक से सेवा लेने के लिए जाते हैं तो परेशान होना पड़ता है। अधिकतर लोग तकनीक में होने वाली गड़बड़ियों के कारण मोबाइल में खुलने वाली एम पासबुक का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ऑनलाइन चीटिंग के मामले और हैकिंग के मामले भी काफी ज्यादा होते हैं और गरीब लोगों के साथ ठगी हो जाती है, इसलिए लोग बैंक में जाकर अपनी पासबुक में एंट्री करवाना बेहतर समझते हैं। लेकिन रामगढ़ सर्विस लेन में बनी इस ब्रांच का तो हाल सबसे बदतर है। यहाँ पर कई महीनों तक पासबुक में एंट्री नहीं होने से लोग बेहद परेशान हैं और आज तो यहाँ पर लोगों की लाइन बैंक के बाहर तक लगी हुई है और लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं। यहाँ बैंक में आए ग्राहकों ने क्या बताया, खुद आप ग्राहकों से ही सुनिए। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। सैयद मुमताज आलम। मुमताज आलम, क्या है पूरा मामला? सर ये मामला ये है कि मैं आज अपने बीमार दिल के मरीज बच्चे के लिए कुछ पैसा निकालने के लिए ये रामगढ़ जहांगीरपुरी बैंक ऑफ बड़ौदा में आया हूँ और यहाँ देखिए गेट के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि चार्जर करके एक बार में आओ, और यहाँ सर्विस रोड है, गाड़ियाँ चल रही है, दिक्कत है, धूप काफ़ी तेज़ है और यहाँ कहते हैं कि अंदर कोरोना है, कम लोग आइए हैं, देख रहे हैं आप भीड़ कितना इकट्ठा, मधुमक्खी के समान इकट्ठा है, इनके लिए कोरोना नहीं है। जबकि हमारे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का ये आदेश भी आया है कि सारे कार्यालय ऑफिस को पूरी क्षमता के साथ खोल दिया जाए, और आए दिन इस बैंक की ये स्थिति है, ये चिड़ियाघर से भी सर बदतर हो चुका है। और देखा जाए सर ये कि पिछले कई महीनों से नहीं बल्कि साल बीत गए, यहाँ का प्रिंटिंग जो पासबुक एंट्री प्रेस है वो मशीन कभी ठीक नहीं रहती है ना। मैंने कई बार बैंक मैनेजर से शिकायत की, मुझे खेद है कि मैंने उनको ये शिकायत लिखित रूप में नहीं दे पाया है ना, और वो कहते हैं कि इस पर उस पर दूसरे ब्रांच में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, लेकिन ये ठीक नहीं करा पाते। कितने टाइम से ऐसे चल रहा है सर? ये मैं तो जब भी बैंक में जगह रहने के बाद भी अंदर नहीं बुलाया जाता है, यही तो खेद है सर ये आप अंदर जाके स्थानीय शाखा प्रबंधक से आप वार्तालाप कीजिए सर, मौखिक रूप से या लिखित रूप से पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि प्रशासन ने यह आदेश दे चुका है कि पूरी क्षमता के साथ सारे कार्यालयों को खोल दी जाए। यह हालात देखिए हमारे माँ बहनों का, ये बुरी हालतें हैं, यहाँ तक कि इस गेट के वजह से जो अभी ये गार्ड जो बेचारे हैं उनको भी पब्लिक का ताना बाना गालियां गलौज तक कहना पड़ रहा है। अंदर का जो स्टाफ है ये तो सर आपको विशेष जितनी चीजें हैं शाखा प्रबंधक ही बताएंगे। हम तो 10:30 बजे से खड़े। अच्छा, अभी तक कोई? अभी तक नहीं हुआ, अभी तक लाइन भी नहीं आए वहाँ तक, हमारे वहाँ से लेकर 10:30 बजे खड़ी हूँ मैं, 10:30 बजे, और छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई हूँ घर पे, ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, सास ससुर है, घर में जाके भी सुननी पड़ती है और यहाँ पे भी खड़ा हूँ। क्या लग रहा है अपना परेशान कर रखा है, सभी कहते हैं वहाँ जाओ वहाँ से यहाँ, मैंने एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहे हैं? सारी पासबुक एक साथ चेंज कर रहे हैं ना, उनमें एंट्री हो रही है ना कुछ, तो भीड़ तो होनी है, काम अंदर हो रही है, बच्चों के स्कूल वाले मांगते हैं कि एंट्री करवा के लाओ और यहाँ एंट्री होती नहीं, क्योंकि पासबुक चेंज करवाओ, पासबुक चेंज करवाने के लिए फॉर्म भरो, उसमें इतनी लंबी लाइन लगाओ, तो वैसे लगता है पासबुक लिए फिर पासबुक लेने के लिए आओ,
फिर कहते हैं बड़ा फोन लेकर आओ जी, अगर बड़ा फोन होगा तो ही पासबुक मिलेगी। बड़ा फोन नहीं है, अगर बड़ा फोन नहीं है किसी के पास तो पासबुक भी नहीं मिलेगी, बच्चों की पासबुक में एंट्री भी नहीं। बैंक में कब से आप आ रहे हैं? हो गए 5-6 दिन हो गए, लेकिन मैंने अकाउंट खुलवाया था जनवरी में शुरुआत में, अभी तक पासबुक नहीं मिली है मुझे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।